पब्लिक टीवी आपकी आवाज। खाद्य पदार्थ निर्माता और विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने एक दिन पहले एक मिठाई की दुकान के नाम से वायरल वीडियो की निंदा की है। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब नहीं होने देंगे, पर हमारी छवि धूमिल होने से बचाएं। आप लोग सहयोग करें। एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजस्वी गुप्ता ने कहा कि जो वीडियो वायरल किया गया है वो झूठा निकला। शहर की जनता से अपील है कि वो किसी तरह के बहकावे में न आए और भयभीत न हो। इस तरह से मिठाई विक्रेताओं की छवि धूमिल होती है। मंत्री अमित गुप्ता ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व व्यापारियों की प्रतिष्ठा खराब करते हैं। मीडिया से इस जंग में साथ और सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि किसी भी खबर की सत्यता अवश्य जान ले। इस दौरान प्रेस वार्ता में अजय गोयल, मुकुल अग्रवाल, विजय गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, अंशित अग्रवाल, रुक्मेश सिरोही, सत्यम अरोड़ा, अतुल गुप्ता, नीरज गुप्ता, मनीष गुप्ता, संजय आदि और भी सदस्य उपस्थित रहे। कल सुबह से वायरल हो रहा है जो कि बिल्कुल एक सर्वथा झूठ है। बिल्कुल ना तो उसमें जो अंदर का जो इंटीरियर वगैरह है वो कहीं से कहीं हमारे किसी आउटलेट से मेल नहीं खाता है। इसलिए शिकायत की है, एफ आई आर कराई है इसका, अज्ञात नाम से कराइए। फिलहाल क्या मांग करते हैं इस वीडियो में, हैं क्या कहना चाहेंगे शहर के वासियों से? शहर के लोगों से यही है कि भाई ठीक है, इस चीज़ को वो भी जानते, इतने साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं और किसी भी मेरी शॉप के अलावा और भी जितने भी मिठाई वाले हैं आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। जो ये पहली दफ़ा इतना ज़्यादा ब्लंडर मचा हुआ है बेवतनों का, उसको ज़रा रोकना चाहिए और मीडिया वाले भी हमारा साथ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या लगता है कि आगामी त्यौहार है उसके बदले नज़र ये सब चीज़ें आपको आपके बिल्कुल गलत है। ये इस समय अगर ये वायरल होता जाएगा तो वो आगे के लिए दिक्कत करेगा सभी के लिए। और फिर झूठ तो रुकता नहीं है, लेकिन यह है कि कम से कम सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। ये प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है, शहर के अंदर एक फर्जी वीडियो प्रचारित की जा रही है जो कि मुरादाबाद के प्रतिष्ठित व्यापारी का बताकर सबको भ्रमित किया जा रहा है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता की गई है। सर क्या वीडियो था और क्या मतलब किस तरीके की भ्रांति फैलाई गई है? ये एक कोई वीडियो कहीं से किसी के हाथ लगा होगा, उसने मुरादाबाद के प्रतिष्ठित व्यापारी कुंदन स्वीट्स के नाम से शहर के अंदर फेसबुक व्हाट्सएप और अन्य साधनों के माध्यम से पूरे शहर के अंदर इस चीज़ को प्रचारित किया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक व्यापारी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य है, ऐसा मंशा लगती है उसकी। तो सर क्या इसके खिलाफ कोई तहरीर दी है आपने? हाँ, इसके खिलाफ हमारे जो कुंदन स्वीट्स के स्वामी हैं श्री सत्यम अरोड़ा जी, उन्होंने कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया चालू कर दी है और इस पे जल्दी ही उनकी खिलाफ सख्त कार्रवाई के एक ज्ञापन भी हमने अधिकारियों को दिया है। तो इसमें कोई नामजद एप्लीकेशन दी गई है या फिर ऐसे ही अज्ञात में? अभी नाम दर्ज तो नहीं किया, अज्ञात में की गई है, लेकिन उनकी तलाश जारी है, उनके जो है आईडी वगैरह तलाश करी जा रही है और उसके तलाश होने पर ही फिर उनके नाम के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, उसके लिए मैं अपने नगरवासियों को, प्रिंट मीडिया, मल्टी मीडिया, इन सबको से मैं निवेदन करना चाहूँगा। पहले तो मैं यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया व मल्टी मीडिया के उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। नगर की समस्त जनता के साथ साथ मल्टी मीडिया परिवार के सभी मित्रों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। प्रभु हम सभी का मंगल करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाले समय में हिंदू धर्म के मुख्य त्योहार आ रहे हैं। इसमें जो है थोड़ा है उसको लेकर, हाँ, आगामी त्योहार को लेकर मेरा सभी मिष्ठान विक्रेताओं से निवेदन है कि वो अपने आप बनने वाले सामान की गुणवत्ता व शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। कोई भी सामान आपको अपने ग्राहक को देने से पहले जांच लें व परख लें। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि शहर में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, उस उक्त वीडियो को मुरादाबाद के प्रतिष्ठित मिठाई विक्रेता कुंदन स्वीट्स के नाम से प्रचारित किया गया है जो कि पूरी तरह से झूठ है और उसका संगठन के माध्यम से खंडन करता हूं और घोर निंदा करता हूं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।